नमस्कार दोस्तों, मैं नवे साहिल और आप देख रहे हैं साहिल टेक्निकल। आज की इस में आपको बताऊंगा कि दो ऐसे फीचर्स हैं जिसे आप अपने फ़ोन को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है जिसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आप, जैसे कि आपका फ्रेंड आपका फ़ोन मांगता है कि हमको कॉलिंग करनी है, कॉलिंग के लिए दे दीजिए, तो आप उसे दे देते हैं। फिर वो उसके बाद क्या करता है, कॉलिंग करने के बाद आपकी गैलरी वगैरह खोलने लग जाता है आपसे बिना परमिशन के। तो इससे कैसे दूसरों को सबक सिखाया जाए, जैसे वो आपको खोल ही ना पाए। तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जो मैंने फर्स्ट अभी फीचर बताया था उसमें, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड में जाना होगा, और हाथ दूसरे फ़ोनों में यहाँ पर लिखा होता है सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, अदर सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फिर देखेंगे आप, स्क्रीन पिनिंग होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। स्क्रीन पिनिंग पे क्लिक करने के बाद ही ऐसे डिसेबल हो रखा होगा, आपको इसे एनेबल कर देना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि दूसरों को फ़ोन को आपको देना होगा, जैसे कि आपको दूसरों को किसी को देना है अपना फ़ोन कॉल के लिए, तो जैसे कि कॉल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस पे दबा के, जैसे कि आप कॉल पे अगर टाइट क्लिक करके रखेंगे तो फिर आपका ये कॉल खुल जाएगा। इसके बाद कॉल के अलावा वो किसी चीज़ को खोल ही नहीं सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितना बटन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कोई चीज़ खुल ही नहीं रही है। फिर आपको उसको डिसेबल करने के लिए क्या करना होगा, आपको बीच वाला बटन दबा के रखना होगा और ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यूज़ होने लग गई हैं। तो ये था हमारा पहला, हम आपको दूसरा बता देता हूँ। दूसरे के लिए थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट है, इसमें आपको तीन फिंगर यूज़ करना होगा। जैसे हालांकि क्या करते हैं लोग, इसको ऐसे क्लिक करके रखते हैं, फिर नीचे वाला क्लिक करते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्लिक करना है। तो इससे सबसे आसान तरीका, आपको सेटिंग में जाना होगा और एसेसिबिलिटी में जाना होगा। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखेगा थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, आपको इसे एनेबल कर देना होगा। और जैसे कि मैं अपने तीन फिंगर लेके इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करता हूँ तो स्क्रीनशॉट हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट करके दिखा देता हूँ, अभी गैलरी का मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो गया है, सेव कर दीजिए आप। तो बस यही थे हमारे दो फीचर्स, तो कैसे यूज़ किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।